हे दोस्तों, कैसे हो सभी। और आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के हमारे वीडियो में। तो मैं आज आपको लेके आ गया हूं और आपको आज मैं लेके चलूंगा उन इतिहास के पन्नों को ढूंढने के लिए जहां पे अपने अजंता एलोरा की केव्स के बारे में कभी ना कभी अपनी हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ा होगा। तो वीडियो करते हैं शुरू। तो मैं हूँ गोविंद और आप देख रहे हैं विजिट यू। एलोरा की केव की एंट्री, यहाँ से आप एंट्री कर लोगे और सामने जाओगे, यहाँ पे है टिकट काउंटर। तो एक बार टिकट लेते हैं। तो ये है एलोरा केव्स के चार्जेस जो कि है एक बंदे के 40 रुपये, और सामने है टिकट काउंटर और यहाँ से हमारी एंट्री होगी। चलें, भीड़ बढ़ती जा रही है। तो सामने आप देख पाओगे वो है यहाँ से केव्स कर जाने का रास्ता, और जो कि यार ये बहुत ही सुंदर जगह है। तो सामने आप देख पाओगे ये है यहाँ का मैप पूरे की पूरी एलोरा केव का, और यहाँ पे सारी चीज़ों की जानकारी दी हुई है, तो इसको देख के भी आप आगे बढ़ सकते हो। तो ये जो जा रहा है जगह, वो जा रहा है केव नंबर 16 की तरफ, जो कि सबसे पास में 120 मीटर पे। तो यहीं से सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे और दिखाएंगे कि हम क्या क्या देख पाएंगे आज। तो आप सामने देख पाओगे जो बहुत ही सुंदर सा व्यू आ रहा है, ये है आपकी एलोरा की केव्स। तो अभी सामने देख पाओगे पूरा का पूरा जो एरिया है ना, वो पहाड़ के अंदर, पहाड़ को काट के मंदिर बनाया हुआ है। तो यार ये देखने का मेरा सपना था, तो आज ये सपना भी पूरा हुआ, एलोरा की केव्स। आप तो आ गए हैं बिल्कुल ही नियर बाय केव्स के सामने, और यहाँ से केव की एंट्री है। तो एक बार केव अंदर से दिखाते हैं आपको, और ये है बहुत ही सुंदर सा व्यू। तो सामने आप देख पाओगे यहाँ पे भाई कितना कुछ बना रखा है सामने, और ये कुछ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, जैसे नरसिंह भगवान की मूर्ति आपको सामने दिख पा रही होगी, जो मुझे फील हो रहा है सामने। भाई सामने देख सकते हो एक ये एक स्टैचू, जो कि यार बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में, और ये एक नंबर। और सामने देख पाओगे एक बड़ा सा हाथी भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जिसकी सूंड तोड़ रखी है, मतलब टूटी हुई है टाइप ऐसे करके। और यहाँ पे ना दीवारों पे बहुत सारी देवी देवताओं की फोटोज बना रखी है। तो सामने देख पाओगे इस तरीके की कुछ कलाकृतियाँ देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी, और यार जो कि यार बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। दोस्तों, आपने ये 20 का नोट तो देखा ही होगा, क्या आपको पता है ये किस जगह पे है, मतलब किस जगह के निशान है। तो आपको दिखाता हूँ, ये है वो प्लेस पूरा का पूरा जहाँ से आप इस 20 के नोट की पीछे की तस्वीर को इस जगह पर देख पाएंगे। थोड़े से डिफरेंट लोकेशन है, पर जब जाके ऐसे करके गौर से देखोगे तो यही है एलोरा की केव्स, जो कि सामने देख पा रहे होगे। थोड़ा सा अंधेरा आ रहा है, थोड़ा सा आपको देखने में मिल रहा होगा, पर भाई यहाँ पे एक नंबर। जो यहाँ पे पूरा का पूरा मंदिर देख पा रहे हो ना, ये पहाड़ को ना काट के बनाया हुआ है, मतलब एक एक चीज तराश के बनाई हुई है, ऐसा नहीं है कि पत्थर ला के रखे हुए, हर एक चीज को है ना तराशा हुआ है, पहाड़ को तराशा गया है। भाई देखो कितना ही सुंदर लग रहा है, कैसे ऊपर से वाटरफॉल की तरह पानी भी गिर रहा है। ओहो, एक नंबर जगह भाई देखो। तो भाई यहाँ पे बहुत कुछ है देखने को, और अभी हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ। और ऐसी खड़ी सीढ़ियों की चढ़ाई सी आराम से। ये क्या है? तो भाई अब ये एक तरीके का शिव मंदिर है, सबको पता है एलोरा की केव्स, और यहाँ पे हम अंदर आ गए हैं। अंदर हमें शूज उतार के अंदर आने, जूते पहन के नहीं आने, और आप अंदर देख सकते हो क्या यार सुंदर जगह है। चलो, तो ये है नंदी जी महाराज जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, और सामने है
शिव मंदिर। ये शिव मंदिर था पहले और यहाँ पे शिवलिंग है, और यहाँ पे देख सकते हो मोस्ट ऑफ द पर्सन ऐसे ऐसे करके मंदिर बना रखे जहाँ पे कभी ना कभी कोई ना कोई मूर्ति रखी गई होगी, और वैसे शिव परिवार होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ से जगह मूर्तियाँ हटाई गई है, तो मोस्ट ऑफ द पर्सन क्या है कि यहाँ पे शिव परिवार रहा होगा। हाँ, शिव परिवार इधर रहा होगा, तो सारी जगह से मूर्ति हटा दी है क्योंकि। तो जो ये रास्ता जा रहा है 1 से लेकर 15 गुफाओं का रास्ता है, शिव मंदिर हमने आपको दिखा दिया जो कि अंदर था। अब दिखाएंगे केव्स। अब हम जा रहे हैं मंदिर को ऊपर से देखने के लिए, जो कि गुफा नंबर 16A की तरफ जाता है। एक छोटा सा ट्रैक भी है साथ में, ये कहेगा। हाँ यार, मेरे अभी से सांस फूल रही है। तो फाइनली मैं आ गया हूँ मंदिर के ऊपरी हिस्से पे। इसे कहते हैं कैलाश मंदिर, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। और इसमें एक चीज़ और है, इस मंदिर को ना नीचे से नहीं ऊपर से तराशा गया है, ऊपर से मतलब ऊपर से बनाते हुए नीचे लेके आया गया है पूरा का पूरा। और उसमें देखो क्या मजार बना हुआ है, और जो बीच में आप वो देख रहे हैं ना, मुझे लग रहा है वो मंदिर का सेंटर पॉइंट है एकदम। शायद कुछ इनकी आर्कियोलॉजी रही होगी उस टाइम पर। और अगर आप देखोगे तो सामने भगवान नंदी बैठे हुए हैं, और चारों तरफ शिव परिवार है जहाँ से मूर्तियाँ आज के टाइम पर हटा चुके हैं ये लोग। तो और ये देख रहे हो, चाहे कितना भी कर लें पर कुछ ना कुछ चीज़ें छूटी जाती है मंदिर को। देखो मंदिर के ऊपर एक नंदी महाराज बैठे हैं जिनके अभी भी फेस टूटा हुआ नहीं है, कितनी बड़ी बात है ये चीज़। और ये है केव नंबर 14 जहाँ पे आप अंदर जा पाओगे। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे शायद हवन वगैरह कुछ होते थे, उनका हवन कुंड टाइप से ऐसा कुछ बना रखा है इस जगह पे। और इस जगह पे भी ऐसा कुछ है, और यहाँ पे भी ऐसा कुछ ना कुछ बना रखा है। और आप सामने देख पाओगे ना, दीवारों पे बहुत ही कलाकृति से सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। और ये भी देख पाओगे यहाँ पे मूर्ति को खंडित भी किया हुआ है, तो जो कि आप देख पाओगे। तो यहाँ से आपको देवी देवताएँ देखने को मिलते हैं। ये मेरे ख्याल से शिव पार्वती जी हैं, और ये हमारे नंदी जी। उसके साथ साथ में यहाँ पर आप देख पाओगे ये कोई एक बहुत ही प्यारा दृश्य है, जो कि यार बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में। और यहाँ मैंने अंदर रास्ता बंद कर रखा, और अंदर भी कुछ ना कुछ है जो थोड़ा सा भाई अलग देखने को दिख रहा है वो भाई। तो ये भी एक सामने केव नंबर 12 है, जो कि आप सामने देख पाओगे। यहाँ पे भी आपको मंदिरों के अवशेष देखने को मिलेंगे, पर इसको ज़्यादा नहीं घुमाएंगे ना तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो आप सामने से देख सकते हैं इस तरीके से। और अब हम जाएंगे केव नंबर 11 की तरफ। अब आप सामने देख पाओगे इतनी प्यारी सी केव, जो कि यार बहुत ही प्यारी लग रही है। और इस साइड पे भी, और इस साइड पे भी, और यहाँ पे एक वाटरफॉल भी है छोटा सा। ये है केव नंबर 10, और सामने देख पाएंगे क्या एक नंबर का व्यू है यहाँ पे। बहुत ही सुंदर मंदिर, भव्य मंदिर है ये। तो ये है केव नंबर 10, जो कि आप देख पाएंगे यार, जो कि यार बहुत ही प्यारी लग रही है देखने में। और ऊपर कुछ इस तरीके का इसको बना रखा है। और इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, थोड़ी सी बारिश हो गई है शुरू, और लगभग आपको यहाँ पे की मोटी मोटी चीज़ दिखा दी है और आपको बता दी है। और आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। मैं हूँ गोविंद, और आप देख रहे हैं।